नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, आपको सेंसेक्स के लाइफ हाई लगने की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपका पैसा अभी भी नहीं बन रहा है तो आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। दो तीन अपडेट देना चाहूंगा और बाजार को लेकर जो शानदार तेजी चल रही है इसकी हम कंटिन्यू बात करते रहे हैं। एक बार भी आपको डरने का, घबराने का, गिरावट में निकलने का संकेत तो छोड़िए, मतलब बोलने की छोड़िए, संकेत भी नहीं दिए। हर एक गिरावट में एक ही वर्ड था, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। रेंज में मार्केट है, ऊपर मत बेचो, नीचे सिर्फ खरीदो। हमें रेंज प्ले ही नहीं करनी है, हमें गिरावट में खरीदना है, हमें अपने स्टॉक्स को पकड़ के रखना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया था हमारी तरफ से। पहले लेवल्स बता देता हूं। पूरे दुनिया भर के बाजार में जो मर्जी होता रहे, हम अपनी स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं। एफआईआई का दिमाग खराब हो गया है, दो दिन कंटिन्यू बेच दिया उन्होंने लेकिन बाजार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डीआईआई क्या शानदार कर रहे हैं यार, डीआईआई। बट हमें एक बड़ी तेजी के लिए एफआईआई का डाटा चाहिए, वो दोबारा से लौटेगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पे अगर देखें तो निफ्टी लगभग 50.2 पर दिख रहा है और सेंसेक्स ने लगा दिया है लाइफ हाई 227.2 पर है। अब जो आपके लिए लाइफ हाई हो चुका है सेंसेक्स का, वो लगा है 63,583 का। मैं आपके साथ एक एग्जैक्टली एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। सेंसेक्स ने ना एनएससी पे अभी 52 वीक हाई लगाया है, बीएससी पे नहीं लगाया आई थिंक। तो ये कहीं ना कहीं, सॉरी, बीएससी पे, जी हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए अपडेट दोनों तरफ से। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर से लगभग 13 पॉइंट की दूरी रह गई है केवल और केवल आपके लिए लाइफ हाई की, तो वो भी जल्दी लगेगा। एक चीज पहले अपडेट देना चाहूंगा, कल मैंने एक स्टॉक आप सभी के साथ शेयर करा था कि कल यहाँ 4,500 करोड़ की बिकवाली हो सकती है। स्टॉक का नाम था श्रीराम फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेस बिकवाली करेगा और मुझे लगा था, मैं कंफर्म नहीं था, मैंने आपसे कहा भी था 60-40 का मेरा वेटेज है। मेरे को लगता है 60% स्टॉक गिर सकता है और 40% लगता है कि नहीं गिरेगा। पूरी तरीके से श्योर नहीं था और पूरी तरीके से गलत पड़ा हूं और मेरे को कोई इसका वो नहीं है, क्योंकि जो तेजी बनी है ना उसमें पैसा बनता है, ठीक है। अब इस डील के बाद दोनों ही स्टॉक्स में तूफानी तेजी, दोनों ही स्टॉक 10-10% ऊपर खुले, पूरी तरीके से गलत पड़ गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रिडिक्शन थी। श्रीराम फाइनेंस 10% ऊपर खुलने के बाद और ऊपर गया, अभी थोड़ा सा नीचे आया, 9.5% के समथिंग नीचे रह गया। पीरामल एंटरप्राइज और तेजी बढ़ा रहा है, 10.5% ऊपर है। लेकिन ये तो एक खबर थी जो हमने प्रिडिक्ट करी। अभी जो हम लोगों ने आप सभी के साथ पोर्टफोलियो शेयर करी थी, वहां बड़ा धमाका हो रहा है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बड़ा पैसा बन रहा है। आपके साथ पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्टॉक्स थे, इक्वल वेटेज में पैसा लगाना था 5 स्टॉक्स के रूप में, ठीक है। आपके साथ ईक्लक्स में कल 100 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट बुक कराया, रिलायंस में पार्शियल बुक कर रखा है, पार्शियल पढ़ा है। आज एक और शेयर बड़ा धमाका कर रहा है, वो है आपका अंबिका कॉटन। 1500 के भाव पे लिया है, आज 1600 हो गया है, 40 रुपए की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो अंबिका कॉटन में भी एक बड़ा मुनाफा बन रहा है, 100 रुपए ऊपर हो गया है 1500 वाला, बने रहिए, 1650 पे आएगा तो ठीक है, पार्शियल बुक करने की सोचेंगे। तो ये अभी की अपडेट। अब आ जाते हैं आज के बाजार पे। तो देखिए कल आपका FIDI का डाटा की बात कर लेता हूं पहले मैं। FIIs ने तो कल भी बिकवाली करी है लेकिन DIIs खरीद गए हैं और अच्छा खरीद गए हैं। कैश मार्केट में फ्यूचर्स की बात करें तो FIIs ने एक छोटी खरीदारी करी है 43 करोड़ की, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, छोड़ दें इसको। अब बात करें अपडेट की तो सब हरे निशान में, मिड कैप स्मॉल कैप में तो तूफानी तेजी है। ब्रॉडर मार्केट में 1407 शेयर्स NSE पे पॉजिटिव है, 512 शेयर्स नेगेटिव है केवल, तो बहुत अच्छा मार्केट ब्रेथ है। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो मीडिया सेक्टर में आज बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, कौन सा लीड कर रहा है ये देखने वाली बात होगी। जी एंटरटेनमेंट, देखिए कल इस स्टॉक को लेकर मैंने आप सभी के साथ बात करी थी कि बेचोगे तो भी गलत पड़ जाओगे, खरीदोगे तो भी गलत पड़ सकते हो, खबरों में चल रहा है चलने दो। जिनके पास है ऑलरेडी कह रहे हैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, वो मत बेचो अभी, स्टॉक में ज्यादा डाउन साइड है नहीं। लेकिन कोई भी अच्छी खबर स्टॉक को 10-12% ऊपर खींच देगी, 7% ऊपर है तो एक थैंक यू तो बनता है यार। अगली बात करें तो रियलिटी में भी बढ़िया तेजी है, फाइनेंस, ऑटो, एनर्जी, आईटी सब हरे निशान में, मेटल्स और फार्मा को छोड़कर। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो भैया वही डील वाले हैं दोनों के दोनों। पहले तो पीरामल एंटरप्राइजेस, एथर इंडस्ट्रीज आ गया टॉप लिस्ट में, श्रीराम फाइनेंस, जील, MSSL। गिरने वाले एप्टस, IDFC, HDFC, AMC, जुबिलेंट फार्मुआ, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक है जो आपको गिरावट दिखा रहे हैं। निफ्टी में 30 शेयर्स पॉजिटिव है, 20 शेयर्स नेगेटिव है।
जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, अपोलो, ये गिर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। एंड बढ़ने वाले की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो से स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स को कमेंट्स करते रहिए, अपने कमेंट्स, अपने स्टॉक का नाम, ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।